गाइस, आज मैं दिखाने जा रहा हूँ फ्लिकर RGB टेक्स्ट इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट में चलते हैं। आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हो या वीडियो ले सकते हो, तो ले लेते हैं ये वाला टेक्स्ट। ऊपर वाले बैनर को डिलीट कर देते हैं। अभी टेक्स्ट पे राइट क्लिक कीजिए और एडिट पे क्लिक कीजिए। फिर एडवांस में जाते हैं, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं। आप कोई भी कलर रख सकते, मैं वाइट रख रहा हूँ। और ये साइड वाले जो बार आ रहा है उसे डिलीट कर देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। तो अभी इसका नाम चेंज कर देते हैं। फ्लिकर टेक्स्ट इफेक्ट ही रखते हैं। इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा है, इसका साइज थोड़ा सा कम करते हैं। 62 अच्छा रहेगा। इसे मिडिल में लेके आते हैं। फिर भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है फ्रंट, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। तो इसे मिडिल में लेके आते हैं। ओके, अभी ठीक है। तो मुझे इसके पीछे ब्लैक स्क्रीन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन रख रहा हूँ। कलर में जाइए और यहाँ से ब्लैक स्क्रीन ले रहा हूँ। तो ये रहा हमारा टेक्स्ट, आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर ही काम करना है, तो अभी इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं फटाफट। तो इसका नाम भी रख देते हैं RGB ब्लिच। तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। चलो, एक्सपोर्ट तो कंप्लीट हो गया। अभी इसे ड्रैग करके लाते हैं, टाइमलाइन पे लाते हैं ड्रैग करके। अभी चलते हैं फिल्टर पे, डिस्टॉर्शन पे जाइए और क्रोमेटिक एब्रिएशन को ड्रैग करके लेके आइए, ये वाला। इसको हम टाइमलाइन के साथ रख देंगे। तो इसको आपको वीडियो के टाइमलाइन के थोड़ा सा बाहर रखना है, एकदम साथ ही नहीं रखना है, तो ये अच्छा लग रहा है। और ये लास्ट वाले को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, वरना ये टेक्स्ट इफेक्ट के बाद भी होता रहेगा। तो हमारा काम हो गया। तो गाइस, आप देख ही सकते हो इसका इफेक्ट कैसा अच्छा लग रहा है इसमें। तो बड़े आसानी से आप इसे क्रिएट कर सकते हो और आप इसे किसी भी वीडियो में अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने पहले वीडियो पे दिखाया था, फिर टेक्स्ट में दिखाया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय।